बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि वो हमारी पीढ़ी के ऐसे वक्ता हैं जो विश्व विख्यात हैं और न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी उन्होंने अनेकों व्याख्यानों को संपन्न किया है। उनकी शिक्षा दीक्षा लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से ही संपन्न हुई है, जो कि आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात है। और उनका जो विशेषज्ञता है वो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों ही विषयों में है। उनकी अवाध गति है, उन्होंने आरंभ से ही विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए जो इसमें पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उनकी दो पुस्तकें और अनेक शोध पत्र प्रख्यात पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मेरा विचार था, मुझे जैसा कि विश्वविद्यालय में एक रहता है कि छात्रों के बीच में और समाज के बीच में हम जिस विद्या पर हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उस शोध को समाज के बीच में ले जाने का कार्य होना चाहिए। ऐसा हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी का आशय था और उन्होंने इसको बहुत बार सभी विभागों के लिए अध्यक्षों को, संयोजकों को प्रेरित किया है कि वो अपने अपने विभाग में इस प्रकार के आयोजन यथा समय कराते रहें। तो उसी श्रृंखला में ये विचार हुआ कि चूंकि ज्योतिर्विद्या इस प्रकार का विषय है, ज्योतिर्विज्ञान की, आज हम देखते हैं हर व्यक्ति इससे अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस करता है। हर व्यक्ति अपना जुड़ाव जो बिल्कुल ज्योतिर्विज्ञान के विरुद्ध भी है जिसका मत, वो भी कहीं ना कहीं अपने आंतरिक रूप से सोचता है, विचार करता है कि भाई हमारा भी कहीं कैसे भी कोई थोड़ा ज्योतिष देख करके बता दे। जिस समय उसके सामने विपत्तियां आती, विशेषकर तब जब कठिनाई का समय होता है, जब अच्छाई का समय होता है, जब सुख से समय बीत रहा है, उस समय तो ऐसा नहीं है, लेकिन समस्या के समय जब वो बहुत विपरीत परिस्थितियों से अपने जीवन में सामना कर रहा होता है, तो उसको ज्योतिर्विज्ञान के विषय में और वो अपने जीवन के विषय में जानने की उसकी उत्कंठा बढ़ जाती। तो ऐसे समय पर विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से, आजकल ऑनलाइन बहुत से स्रोत हैं, उनसे वो ज्योतिष का परामर्श लेता है और उसमें कहीं ना कहीं कई बार उसको सही पता चलता है, कई बार कोई व्यक्ति सही नहीं मिला, तो वो बड़ा आकस्मिक होता है। तो उसी विषय में और फिर सामान्य रूप से भी ज्योतिर्विद्या के विषय में, ज्योतिष के विषय में बहुत ही अपवाद प्रचलित हैं कि ये पाखंड है, ये डपोर विद्या है, इसको बस ऐसे ही लोगों ने अपने कमाने के लिए, खाने के लिए इसका तमाम तरह का आचरण कर रखा है, झोला छाप और क्या क्या मतलब प्रवाद सुनने को इसके मिलते हैं। लेकिन वास्तव में ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है और उसकी स्थापना हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने बहुत ही सुदृढ़ ढंग से, तार्किक ढंग से और प्रमाणों के साथ उसको रखा है, जो कि आम जनमानस में जिसका प्रचार बहुत ही न्यूनतम है। आम जनमानस उसको, यद्यपि ज्योतिर्विज्ञान के जो प्रयोग है, जो उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, पंचांग हो गया, तिथियां हो गई, हमारे व्रत एवं त्योहार हो गए, उनका उपयोग वो कर रहा है, लेकिन उस उपयोग के साथ में और जो चीजें जुड़ी हैं कि वो कैसे कार्य करता है, उसको वो नहीं जानता है। और वो केवल हाथ देखना या कुंडली विचारना, केवल इन्हीं को, और उसमें भी तमाम तरह की जो पाखंड प्रचलित है, उसको देख करके उसका मन विचलित होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसका विज्ञान, इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, इसका जो आधुनिक विज्ञान से क्या तारतम्य है, यह भी प्रकाश में आए। तो उसी श्रृंखला में ये हमारा डॉक्टर प्रवेश व्यास जी से हमने निवेदन किया कि आप इस विषय को लेकर के या इस प्रकार का कोई विषय लेकर के हमें हमारे बीच में आए और हमारे छात्रों को उद्बोधन करें, हमारे जो भी ज्योतिर्विद्या के, ज्योतिष के जो प्रेमी लोग हैं, उनको इस विषय में जागरूक करें। तो निश्चय ही यह इस श्रृंखला का आरंभिक सोपान है और मैं इसको धीरे धीरे
इसकी विशदता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये उसका आरंभिक सोपान है। मैं अपने विभाग ज्योतिर्विज्ञान और लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से अपने बीच में डॉक्टर प्रवेश व्यास का भूरिशः अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मेरे बहुत ही स्वल्प मात्र निवेदन को स्वीकार करके इस व्याख्यान हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। उनका पुनः पुनः पौनः पुण्येन मैं यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं बहुत समय न लेता हुआ संयोजक जी से निवेदन करूंगा कि वे व्याख्याता को हमारे बीच में विद्वान वक्ता को आमंत्रित करें और हम लोग उनके व्याख्यान से जुड़े लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चूंकि आज जो व्याख्यान है मुख्य रूप से हम लोग सुनने के लिए ही सभी इस मंच पर आए हैं। हमारे साथ तमाम बहुत सारे छात्र ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ से एमए कर चुके हैं, कुछ पीएचडी कर चुके हैं, तो कई सारे कुछ वर्तमान में कार्य मतलब छात्र जो है जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे विभाग के सारे अध्यापक लोग जुड़े हुए हैं। हम सभी की ओर से आपका डॉक्टर साहब का डॉक्टर प्रवेश व्यास जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ साथ में उन छात्रों का अभिनंदन करते हैं क्योंकि वक्ता के साथ साथ श्रोता भी जो है आवश्यक है, तो इसलिए श्रोताओं का भी उतना ही अभिनंदन है, उतना ही स्वागत है, तभी यह जो जो श्रृंखला है आगे बढ़ सकती है। तो बहुत ज्यादा अधिक समय ना लेके मैं अपने बीच प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रवेश व्यास जी को का आह्वान करना चाहता हूँ कि वो अपने इस आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में ज्योतिर्विज्ञान विषय पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान कर कृतार्थ करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बहुत धन्यवाद आदरणीय सत्यकेतु जी एवं नील कुमार जी, आपने यह अवसर प्रदान किया और इस प्रकार का कार्यक्रम आप अपने विभाग में आयोजित कर रहे हैं जिससे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो रहा है। एक ऐसा विषय जिसे कि बहुत ही भिन्न रूप से प्रचारित किया गया है समाज में और उसका मूल स्वरूप सभी के सामने आए, इसका आप प्रयास कर रहे हैं, अतः मैं आपका आभारी हूं कि आपने अवसर प्रदान किया। तो सर्वप्रथम, मेरी आवाज आ रही है ना बिल्कुल साफ सभी? जी, सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। मूल रूप से ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम ऐसा कहा है। जो भी आप ज्योतिर्पिंड इस ब्रह्मांड में देखते हैं उनसे संबंधित जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। तो उनकी गति, स्थिति, उनसे होने वाले प्रभाव और उनकी गणना, इन सभी विषयों का समावेश ज्योतिष शास्त्र में है। और मूल रूप से वेदों के अंग के रूप में ज्योतिष शास्त्र नेत्र रूप में प्रतिष्ठित है। और जो कि वेदों के रचना का उद्देश्य था, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारस्य अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। सायणाचार्य के इस कथन को चरितार्थ करता है ज्योतिष शास्त्र की, मनुष्य को इष्ट की प्राप्ति हो, जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके लिए कल्याणकारक है, उसकी प्राप्ति मनुष्य को हो जाए और जो उसके लिए अनिष्ट कारक है वह उससे दूर हो जाए, जो उसके लिए अकल्याणकारक है वह उससे दूर हो जाए। यह उद्देश्य वेदों की रचना का था और यही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बना ज्योतिष शास्त्र। और सारे शास्त्रों की प्रवृत्ति इसीलिए है, सबका अपना अपना तरीका है इस उद्देश्य को पूर्ण करने का। आयुर्वेद आपके खान पान रहन सहन औषधियों के माध्यम से इष्ट प्राप्ति करवाता है और अनिष्ट का परिहार करता है, आपका कल्याण करता है। वास्तुशास्त्र आपके आसपास के वातावरण का उपयोग करके आपको इष्ट की प्राप्ति करवाता है। योग शास्त्र आपको जीवन जीने की
कला बताते हुए यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान आदि के द्वारा आपके जीवन में इष्ट प्राप्ति करवाता है, आपके लिए जो जरूरी है वह आपको देता है। तो हर शास्त्र का अपना एक तरीका है, उसमें ज्योतिष शास्त्र का तरीका है आपके कर्म फलों को आपके सामने दिखाता है कि आपके पूर्व जन्मार्जित कर्मों का फल किस प्रकार का है, जिस कारण से कि आपको इस जन्म में अनेक प्रकार के सुख या दुखों की प्राप्ति हो रही है, और उससे निवारण का उपाय अनेक माध्यमों से ज्योतिष शास्त्र प्रदर्शित करता है। उसका मूल उद्देश्य ज्योतिष का है कि आपका कल्याण करना और जो आपके लिए अकल्याणकारक है उसे आपसे दूर करना। ज्योतिष की उत्पत्ति के संदर्भ में जो आज ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ उपलब्ध है वह है वेदांग ज्योतिष। उसके रचयिता आचार्य लगध ने लिखा कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञान। अर्थात वेदों की प्रवृत्ति हुई थी यज्ञ के विधान के लिए, और अनेक प्रकार के विशिष्ट यज्ञों का संपादन वैदिक काल से ही प्राचीन काल से ही किया जाता रहा, और उसे कहा कि यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यागादि रेव धर्म, और ये आपका धर्म है कि याग करें। लेकिन वह यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्ति तभी होगी जब उस यज्ञ का संपादन किसी एक विशिष्ट ग्रह स्थितियों में, ब्रह्मांड की एक विशिष्ट अवस्था में, एक विशेष समय में, एक विशेष काल में किया जाएगा, तब वह संपूर्ण फल को प्रदान कर देने वाला होगा। तो इसलिए यो ज्योतिषम वेद, जो ज्योतिष शास्त्र को जानेगा, इस काल विधायक शास्त्र को जानेगा, वही यज्ञ को जानने वाला होगा, यज्ञों के पूर्ण फल को प्रदान करने वाला होगा, और इसीलिए है इस काल विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति हुई। अब यदि वैदिक काल में वैदिक संहिताओं को देखें तो क्योंकि हम आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष को आज देख रहे हैं, आज हमारा विषय यही है, तो जो आधुनिक विज्ञान आज कहता है वो अंश आपको वैदिक काल से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मर्त्यंच, यह मंत्र साक्षात बताता है कि सूर्य के आकर्षण के द्वारा ही पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर है। आप सोचिए, पश्चिम ने कुछ ही सैकड़ों वर्ष पूर्व, 300-400 वर्ष पूर्व इस विषय को जाना है। ऋतुओं का कारण सूर्य है, समस्त ऋतुओं का निर्माण सूर्य से होता है, और सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग स्थित है। सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः, ऋग्वेद के मंत्र में साफ कहा, और यह भी कहा है कि सूर्य एक ही है, वही बार बार उदय होता है, अस्त होता है। अनेक, अगर आप अन्य सभ्यताओं में देखें, मिस्र की सभ्यता में देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनको यह ज्ञात नहीं था, वहां पर यह वर्णन आता है कि अनेक सूर्य है, अलग अलग सूर्य अलग अलग समय में प्रकाशित होते हैं। लेकिन भारतीय मनीषा कहती है कि एक ही सूर्य है, वह विश्व का प्रभु है, एक ही उषा है जो विश्व को प्रकाशित करती है, एक एवाग्निर्बहुधा समृद्ध एक सूर्य विश्व मनुप्रभुतः। और अत्यंत आश्चर्यजनक आपको यह विषय प्राप्त होगा ऐतिरीय ब्राह्मण के अंदर कि उनको किस प्रकार से पता है कि पृथ्वी गोल है। तो लिखा है साक्षात, सवा एष न कदाचन अस्तमेति न उदेति तम यदस्तमेति इति मन्यते अहन एव तदंतम। इस प्रकार से जो मंत्र में लिखा है कि वह सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वह कभी उगता नहीं है, वह तो सचमुच में दिन के अंत में जाकर अपने आप को उल्टा घुमाता है। सोचिए, इतनी बड़ी बात उन्हें पता है, इधर रात्रि करता है और उधर दिन करता है, उधर अर्थात किसी और लोक में, किसी और क्षेत्र में पृथ्वी के, और जब वह सवेरे उगता है तब वह रात्रि का अंत करके अपने को उल्टा घुमाते हुए इधर दिन करता है और उधर रात्रि करता है, और वह कभी अस्त नहीं होता है। पश्चिम में अनेकों वर्षों तक यह ज्ञात नहीं था कि पृथ्वी इस प्रकार से गोल है और सूर्य का इस प्रकार से चलन होता है। और इसमें ऋग्वेद संहिता में लिखा है कि सूर्य जब उगता है तो वह पृथ्वी के आधे भाग के ऊपर ही प्रकाश को देता है। बताइए,
अगर कोई वस्तु गोल होगी तभी तो ऐसा संभव होगा। अगर आप किसी बॉल के ऊपर टॉर्च लगाएंगे तो बॉल का एक भाग प्रकाशित होगा, पीछे वाला भाग अंधकार में रहेगा। तो यह मंत्र साक्षात इसे बताता है। और इस प्रकार से समय को गिनने की अनेक प्रकार की विधियां उन सूर्य और चंद्रमा के चलन से बहुत प्राचीन काल में, यूनेस्को ने भी आज ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में माना है। उनकी यह दृष्टि इस बात को पचा नहीं पाई कि यह सहस्रों वर्ष पूर्व है। उन्होंने तो कहा कि चलिए 1820 मान लेते हैं, बिफोर क्राइस्ट था 1820। लेकिन उन ऋग्वेदिक संहिताओं में धूमकेतु, उल्का, ग्रह, मास, मुहूर्त, एक दिन के अंदर 15 मुहूर्त, रात्रि में 15 मुहूर्त, दिनमान का निर्माण, सूर्य चंद्रमा की गति, चंद्रमा की कला, चंद्रमा के प्रकाश का होना, 12 मास, युग, संवत्सर, इन सभी प्रकार की कल्पना वैदिक काल में प्राप्त हो जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय से ही यह खोज पूर्ण रूप से, वैज्ञानिक रूप से की जा चुकी थी, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण है, किस प्रकार से ग्रहों का चलन है, किस प्रकार से सूर्य चंद्रमा की गति के द्वारा ये ऋतुएं, ये अयन सभी का निर्माण होता है और क्यों ग्रहण होता है, उसका भी वर्णन ऋग्वेद संहिता में है। तो वैदिक काल के उपरांत ज्योतिष शास्त्र का अपना एक स्वरूप, एक शास्त्र के रूप में प्रवृत्ति हुई और मुख्य रूप से इसके 3 स्कंध, सिद्धांत, संहिता और होरा। आज हम इस व्याख्यान में इन 3 स्कंधों को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। क्या ये वैज्ञानिक है तीनों भाग या नहीं, क्या इनको विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है या नहीं। तो पहला भाग है सिद्धांत भाग। भास्कराचार्य जी ने कहा कि सिद्धांत जो स्कंध है ज्योतिष का, उसमें पूर्ण रूप से गणित शास्त्र है। त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, त्रुटिमान को सबसे सूक्ष्म मान माना। सूर्य सिद्धांत की कपिलेश्वर शास्त्री जी की द्वारा की गई टीका के अंदर त्रुटि के मान को 1 सेकंड का 43,32,000वां मान माना गया। और प्रलय काल तक की गणना, चारश्च द्विशदां द्विधाच गणितम प्रश्नास्तथा सोत्तरा, और जो सारे ग्रह नक्षत्र आदि का 4 है उनकी गणना करना और संपूर्ण गणित, उसके गणना के लिए आप सोचिए कितना कठिन होगा। आप भी चलायमान हो पृथ्वी पे, आप जहां स्थित हो वह घूम रही है अपने अक्ष पर, वो घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और उसका एक जो ध्रुव बिंदु है वह भी घूम रहा है, अयन गति कर रहा है, उसके साथ अन्य ग्रह भी घूम रहे हैं, और उनकी बिल्कुल परफेक्ट माइन्यूट कैलकुलेशन करना कितना कठिन होगा। सोचिए आज के सुपर कंप्यूटर्स की सहायता के द्वारा यह किया जाता है, जबकि केवल पाटी गणित, हाथ से की गई गणना के द्वारा इस प्रकार की मैथमेटिक्स को करना, जिसमें कि 3D डायग्राम है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें ज्यामिति, जो भी आज गणित की विधा आप समझते हैं उन सभी का, कैलकुलस से लेके सभी विधाओं का प्रयोग करना पड़ता है, और इस प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया गया जिनसे कि उनकी गणना को चेक किया जा सके कि जो गणना की है वह सही है या नहीं। उसमें सिद्धांत जो स्कंध है उसके भी 3 भाग हैं, सिद्धांत, तंत्र और करण। उसमें जो सिद्धांत भाग है उसमें जो जिन ग्रंथों की रचना की जाती है उनमें कल्प के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से ही ग्रहों की गणना की जाती है। कहा वो ये मानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सारे ग्रह एक स्थिति में थे, उसके बाद जब उनका चलन प्रारंभ हुआ और तब से लेकर अब तक ये गणना बहुत लंबी होती है, आप कॉपी पर भी नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते आज उस गणना को। लेकिन उन्होंने एक ऐसी पद्धतियां विकसित की जिससे कि उस गणना को करते हुए आज तक गणना करते थे सृष्टि के आरंभ से लेके, और बिल्कुल एक्यूरेट आज वो ग्रह कहां पहुंचे होंगे, और वैसे ही स्थिति में अंश कला विकला सेकंड के भी 60वें भाग और उसके भी 60वें भाग तक वह मान बिल्कुल सटीक आता था। दूसरा भाग जिसमें कि तंत्र, युग के आरंभ से गणना, और करण कोई एक विशेष काल
को लेकर की गणना की जाए। तो यह सिद्धांत ज्योतिष तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसमें कुछ संशय ही नहीं है। और केवल वैज्ञानिक नहीं है, मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जिससे आपको ज्ञात होगा कि संपूर्ण विश्व में गणित शास्त्र का जनक जो भारत है उसका मूल आधार ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं हैं। अगर आप पूरे विश्व में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित या त्रिकोणमिति के जो भी मूल सिद्धांत देखते हैं, आप बिल्कुल प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं कि वो भारत से गए। आप देखिए पूरे विश्व में 7 वार है और उनका क्रम है रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। आप किसी भी सभ्यता में जाके खोज लीजिए, पूछिए कि इनका क्रम यही क्यों है, सोम के बाद मंगल के बाद बुध ही क्यों है वार का, तो किसी सभ्यता में ऐसा कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इसका उत्तर प्राप्त होता है। मास 12 ही क्यों है, ग्रेगोरी ने जब पहले पंचांग बनाया, ग्रेगोरियन जिनके नाम से कैलेंडर चलता है, तो उसमें इतनी गड़बड़ियां होने लगी कि उनको बीच में कई दिनों को खा जाना पड़ा। उसके बाद कोई एक राजा आया अगस्तस, उसने कहा कि मेरे लिए एक मास का एक नया नाम रखें, वो सबसे बड़ा होना चाहिए 31 दिन का। फिर जूलियस सीजर ने कहा कि नहीं, मेरे नाम से एक मास होना चाहिए, वो भी सबसे बड़ा होना चाहिए। दोनों ने फरवरी में से एक एक दिन खींच लिया। तो कोई साइंटिफिक आधार उनकी गणना का नहीं था, जबकि भारत में तो सहस्रों वर्षों से 12 मास की कल्पना वैदिक काल से ही मिलता है। उसमें चंद्रमास, उनके सबके नाम और उनके बिल्कुल माइन्यूट एक्यूरेट कैलकुलेशन। अगर आप विश्व में पूछे कि 24 घंटे ही क्यों होते हैं पूरे दिन में, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र इसका उत्तर देता है। 24 होराएं बताई गई हैं, प्रत्येक होरा का अपना गुण बताया गया है। आप देखिए आपकी घड़ी में 60 मिनट 60 सेकंड, ये 60 का चक्कर कहां से आ गया? एक जो वृत्त है उसमें 360 डिग्री की हुई, 1000 डिग्री हो जाती, 100 डिग्री का एक वृत्त हो जाता साइकिल, नहीं 360, क्योंकि भारतीय मनीषा की देन है। 108 की संख्या का इतना अधिक महत्व, आप सोचिए उन्हें पता था कि जब पृथ्वी को 108 बार रखते हैं तो सूर्य की दूरी के बराबर सूर्य का एक परिमाप व्यास बन जाता है। अगर सूर्य को 108 बार रखते हैं तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी बन जाती है। 108 बार अगर चंद्रमा को रखते हैं तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी बन जाती है। तो इस प्रकार से इसका महत्व संख्याओं का उन्होंने इस प्रकृति में देखा। और आज जो हम जानते हैं कि जिसे पाइथागोरियन थ्योरम बोधायन ने सुलभ सूत्र में ईसा से 1000 वर्ष पूर्व, जो अंग्रेज कहते हैं 1000 वर्ष, जबकि उसका मान तो 1500-2000 वर्ष पूर्व आता है, और प्रोफेसर एच जी रॉलिंसन, लेगेसी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा है 1937 में, वो लिखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द थियरीज, religions, philosophical and mathematical taught by the Pythagoreans were known in India in the 6th century BC. और अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं कि पाइथागोरस ने भारत की यात्रा की, क्योंकि वह अपने ग्रंथ में जेनोसोफिस्ट, ऐसे लोग जो कि दिगंबर रहते हैं, उनकी किस प्रकार से वे मांस का ग्रहण नहीं करते हैं, किस प्रकार से उनका भोजन है, इस प्रकार के तथ्य उसने प्रतिपादित किए। उससे पता चलता है कि पाइथागोरस भारत आया, उसने गंगा का वर्णन किया है, और आज हम उस थ्योरी को पाइथागोरस थ्योरी के नाम से जानते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल, जो कि 1623 में खोज बताई जाती है, उसका सबसे पहले वर्णन छंद शास्त्र में पिंगल ने किया है, जो कि 500 ईसा पूर्व है। उसके बाद वराह मेहर ने बिल्कुल वैसा ही त्रिलोष्टक के क्रम से, जैसा कि पास्कल का ट्रायंगल है, बिल्कुल वैसा ही बताया। हलायुद्ध ने उसे मेरु प्रस्तार बताया है। जॉन पेल्स के नाम से जाने वाली इक्वेशन को ब्रह्मगुप्त ने 600 ईस्वी में बिल्कुल वैसे ही प्रतिपादित किया। आज फिबोनाची सीरीज, जिसे हम बहुत ही फैसिनेटिंग तरीके से लोग कहते हैं गोल्डन रेशियो, सारी दुनिया उससे बनी है, उसे फिबोनाची ने खोजा एक इटालियन, जबकि वो इटालियन फिबोनाची खुद कहता है कि नहीं, ये मेरी खोज नहीं है, ये तो मैंने अरब के कुछ गणितज्ञों से प्राप्त किया है। और अरब के गणितज्ञ सभी ये मानते हैं कि हिंदू अरबिक नंबर्स, जो भी गणित अरब में प्रचलित है, वो भारत से गया है। विरहांक ने उसी सीरीज को 600 AD में खोज लिया था। उसके बाद आचार्य गोपाल ने 1135 में, और हेमचंद्राचार्य ने 1150 में, और पिंगल ने तो 400 ईसा पूर्व इस सीरीज को खोजा।
और ऐसे अनेक अनेकानेक जो हीरोज फॉर्मूला हम मानते हैं वह महावीराचार्य की देन है, रोल्स थ्योरम भास्कराचार्य की देन है, जॉर्जी सीरीज माधवाचार्य की देन, लिबनीज फार्मर्स रिजल्ट, यूलर्स जो आज के बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं और जिन्हें की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च माना जाता है मैथमेटिक्स में, वो सारा भारत के आचार्यों के ग्रंथों में उसी प्रकार से प्राप्त होता है और अत्यंत सुंदर तरीके से। आप सोचिए वो गणित को भी संस्कृत में बता रहे थे, कविताओं में बता रहे थे, छंद बनाकर गणित को समझा रहे थे, कहानियों के माध्यम से। अगर आप लीलावती को देखेंगे ब्यूटीफुली, आज का बच्चा गणित से डरता है लेकिन लीलावती कहानियों के माध्यम से उसको गणित पढ़ाती है। तो गॉस थ्योरम शंकर वरियार ने 15वीं शताब्दी में खोज ली थी। तो ऐसे अनेक सिद्धांत जो सिद्धांत ज्योतिष के और भारतीय गणितज्ञों ने खोजे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, उसमें कोई संशय ही नहीं। अब मैं आता हूं दूसरे स्कंद की तरफ, संहिता स्कंद, ज्योतिष का जो दूसरा विषय है। संहिता स्कंद के अंदर अनेकानेक ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक विषयों का समावेश किया गया, जिनमें पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, वास्तुशास्त्र, प्राकृतिक आपदाएं, आकाश में घटने वाली घटनाएं, पशु पक्षियों का विचित्र व्यवहार, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसमें वर्णन है कि कैसे आप अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स बनाएंगे, कैसे आप सीमेंट्स तैयार करेंगे, ऐसे सीमेंट्स जो कि हजारों सालों तक स्थायी रहे, जिनको वज्रलेप कहा, फौना फ्लोरा के बारे में, और कुछ उसका एक निदर्शन मैं आपको देता हूं इन सारे विषयों में, जिनमें कि आपदाओं का पूर्वानुमान किया जाता है। आप केवल मात्र इस वातावरण में होने वाली घटनाओं को देखकर, अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं को देखकर कि आने वाले समय की घटनाओं को जान सकते हैं। और आचार्य वराह मेरे लिखते हैं कि इसके लिए आपको 4 ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स नियुक्त करने पड़ेंगे, ऐसे ज्योतिषियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी राजा को, जो कि प्रतिक्षण रात दिन सुबह शाम उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, ऐसा उसमें लिखा है। तत्र एकेन इंद्री चाग्नेच दिगवलोकितव्य, एक ज्योतिषी केवल मात्र पूर्व और अग्निकोण को निरंतर देखता रहेगा। विष्णु ध्वज कुतुब मीनार के ऊपर चढ़कर वराहमिहिर की प्रयोगशाला में यही कार्य होता रहा होगा कि वो अंतरिक्ष में देखते होंगे कि प्रतिक्षण क्या हो रहा है, आसपास के वातावरण में देखते होंगे, पेड़ पौधों को देखते होंगे, हवाओं को देखते हैं, बिजली बादल, ये सभी आपको इशारे देते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ऐसे अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं जिनसे कि पता चलता है कि आने वाली घटनाएं, आने वाले समय में क्या होना है। लोग कहते हैं कि इतनी आपदाएं आ गई आपने तो बताया नहीं, ऐसा नहीं है, उसको उस तरीके से प्रचारित नहीं किया गया। आज भी पंचांगों में आपने देखा होगा एक वायरल फोटो इस प्रकार से सभी जगह चल रहा है कि पंचांग में पहले से लिखा हुआ था कि यूरोपीय देशों की नीति अघोषित युद्ध का वातावरण बना सकती है। ये तो हमारे पंचांग, हमारे वैज्ञानिकों, मॉडर्न साइंटिस्ट ने तो नहीं लिखा है। और इससे पहले भी उन ग्रह स्थितियों को देख के कोरोना काल से पहले भी ऐसे इशारे दिए गए थे कि महामारी जनित आपदाएं पृथ्वी को तंग कर सकती है। तो ग्रहों का चार देख करके, ग्रहों की स्थितियों को देख करके यह पता लगाया जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या घटित होगा। और भूकंपों के संबंध में अनेक योग दिए हैं और वे योग घटित होते हैं। मैं आपको इस विश्व के 9 सबसे बड़े भूकंपों की घटना बताता हूं, सबसे बड़े डिजास्टर्स हैं जिनमें कि वे ही ग्रह स्थितियां हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। तो क्या अब इसे विज्ञान नहीं माना जाएगा? ग्रहों के वर्ण परिवर्तन के बारे में वर्णन किया है आचार्यों ने कि आप सोचिए, आप नेकेड आई से, नंगी आंखों से, बिना किसी यंत्र के अभाव में किसी ग्रह को नहीं देख सकते, एक छोटे से तारे के रूप में दिखता है, जबकि उन्होंने उनके कलर्स तक बताए हैं कि
शनि अगर इस वर्ण का दिखाई दिया तो ये फल होगा, गुरु अगर इस वर्ण का दिखाई देगा तो ये फल होगा, वह शुक्र सोचिए उनकी प्रतिभा, शायद वह अपनी अंतर्दृष्टि से समाधि की अवस्था में अपने अंदर ही उस ब्रह्मांड को देखते होंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इस पिंड में देख लीजिए आप, अपने अंदर की यात्रा कीजिए तो इस ब्रह्मांड को आप देख पाएंगे। ग्रह युद्ध, आपस में ग्रहों का ऐसा संयोग हो जिससे कि युद्ध जैसी स्थिति दिखाई दे आपस में ग्रहों की, तो उससे भी होने वाले फलों को प्रतिपादित किया गया। ग्रह का उदय अस्त, कोई ग्रह जब सूर्य के सानिध्य में आता है तब जब उसका नया स्वरूप दिखाई देता है तो वो एक विशेष प्रकार के फल को करता है, इस चीज को जानना कोई साधारण नहीं है। आज का एस्ट्रोनॉमी, आज का जो विज्ञान है, वह केवल मात्र ग्रहों के संदर्भ में बहुत अध्ययन करता है कि इस पर यह वातावरण है, वहां यान जाते हैं, लेकिन आज तक भी उनको ये नहीं पता कि हम इन ग्रहों के होने वाले पृथ्वी पर प्रभाव को कैसे देखें, हम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इन ग्रहों तक जाकर के, उस पर यान को छोड़कर कि आप इस मनुष्य के लिए क्या, एक साधारण आम व्यक्ति के लिए क्या प्रतिपादित कर रहे हैं। आचार्यों ने बताया कि ग्रहण की स्थिति साधारण नहीं होती है, अगर एक ही पक्ष के अंदर तीन ग्रहण, दो ग्रहण हो जाए एक पक्ष में तो निश्चित रूप से बड़ी आपदाएं आएगी। अलग प्रत्येक प्रकार के ग्रहण का अपना एक फल प्रतिपादित किया, प्रत्येक प्रकार के ग्रहण की स्थिति उसके वर्ण का फल प्रतिपादित किया। ऊंची मीनार पे बैठे हुए उन देवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने देखा कि विशेष प्रकार की परिस्थिति से पहले एक अलग प्रकार के बादलों की आकृतियां बन रही थी, और आचार्य वरामेर ने लिखा कि अलग अलग भूकंपों से पूर्व अलग अलग प्रकार के बादल बनते हैं। चीन के एक वैज्ञानिक जांगाओ शाओ ने अपना पूरा जीवन इन बादलों की आकृतियों को देखकर उससे भूकंपों को प्रतिपादित करने में लगा दिया, और 50 ऐसे भूकंपों की सटीक भविष्यवाणी की। उनका परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्शन 68% है, जो आज तक अभी तक इतना सफल सटीक नहीं हुआ है, और वे सिद्धांत बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि आचार्य वराह मिहिर ने प्रतिपादित किया। और आचार्य वराह मिहिर ये भी कहते हैं कि ये सारे सिद्धांत मैं नहीं बता रहा हूं, मुझसे पूर्व अनेकों अनेक आचार्य हुए, 88 आचार्यों के नाम वो लेते हैं भट्टोत्पल की टीका में, और आचार्य वराह मिहिर के श्लोकों में 88 आचार्यों के नाम आते हैं पूर्व, जो उस प्रकार के शोध करने वाले रिसर्चर रहे जिन्होंने ये बातें खोजी। आचार्य वराह मिहिर तो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ उनको कंपाइल किया, इकट्ठा करके एक जगह पे बता दिया है। संहिता ज्योतिष में वर्णन है कि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर काले धब्बे दिखाई देंगे, उनको तामस और कीलक बोला, छिद्रे अर्क मंडले दृष्टे तदा राज विनाशनम। आप सोचिए आप सूर्य को देख कैसे सकते हैं और उसके ऊपर होने वाले धब्बे कैसे देख सकते हैं। आज जब इस प्रकार के यंत्र हमारे पास आए हैं, उपलब्ध हुए हैं, तब जाके हमको स्क्रीन, ये जो सूर्य का सरफेस दिखाई दे रहा है, और तब जाके हुए वैसे धब्बे दिखाई दिया, और उसके बाद में जब शोध किया तो A.L. चीजेवस्की नाम के वैज्ञानिक ने अब तक जितना भी डॉक्यूमेंटेशन सूर्य पे होने वाले धब्बों का था उसको इकट्ठा किया, और इस विश्व पे होने वाली घटनाओं के साथ 72 देशों में कौन कौन सी घटनाएं घटी उनका उनके साथ सामंजस्य देखा, और उसने पाया कि 80% जब जब सूर्य के ऊपर वो काले धब्बे दिखाई दिए हैं जैसा कि आचार्य वराह मिहिर ने कहा, तब तब कोई जनसंक्रांति, जनक्रांति, कोई संघर्ष, कोई युद्ध, कोई प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हुई है। और उसने इस ग्राफ के माध्यम से बताया सन 1900 से लेकर सन 2000 तक कि सूर्य पे जब जब भी कृष्ण वर्ण के धब्बे दिखाई दिए हैं तब तब कोई आपदा आई है, और उसके बाद में उसी के शोध को आगे बढ़ाते हुए और अनेक शोध हुए हैं। एक शोध जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है और अनेक वैज्ञानिकों ने किया है अलग अलग समय पर, 1000 ज्वालामुखियों की घटना का संबंध उन सूर्य पे होने वाले धब्बों के साथ स्थापित किया 1850 से लेकर। इस ग्राफ में देखिए आप, जब जब सूर्य के धब्बे बढ़े हैं तब तब ज्वालामुखियों की मात्रा भी बढ़ी है, और आचार्य वराह मिहिर ऐसा ही लिखते हैं। शकुन शास्त्र, उन्होंने न केवल वातावरण को देखा अभी तो आसपास पेड़ पौधों को देखा, पशु पक्षियों को देखा कि जब भी कुछ घटना घटित होने वाली होगी उससे पहले पशु पक्षी अपना विचार बदल देंगे।
अपना व्यवहार बदल देंगे। और यह वर्णन रामायण महाभारत से लेकर सारे संहिता ग्रंथों में प्राप्त होता है और आज का आधुनिक विज्ञान इसे मानता है कि हाँ सच में यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत हो सकता है। अनेक ऐसे चलचित्र बने, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जिसमें कि बहुत सारा शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप आने से पहले पक्षियों का क्या व्यवहार होगा, सांपों का क्या व्यवहार होगा, मेंढकों का क्या व्यवहार होगा, कुत्तों का क्या व्यवहार होगा, घोड़ों का क्या व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार उन्होंने प्रतिपादित किया है ऐसे सैकड़ों श्लोक मिलते हैं संहिता ग्रंथों में कि अश्व का विचित्र व्यवहार कैसा होगा, गज का विचित्र व्यवहार कैसा होगा। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम अगर आप चाहें खोजना तो कैन एनिमल्स प्रेडिक्ट डिजास्टर। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक एक जानवर के बारे में बहुत शोध करके बताया कि क्या हाथी का व्यवहार होगा। उसमें हाथी का बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार बताया गया है, इसका लिए तो गति अकस्मात त्रस्त करणवती दीना, कोई भी बड़ी घटना घटने से पहले, ज्वालामुखी भूकंप आने से पहले हाथी अपनी गति को अचानक रोक लेगा, त्रस्त करण अपने कानों को नीचे कर लेगा और अति दीन सूंड को नीचे रख के श्वसिति मृदु सुदीर्घम लंबी लंबी श्वास लेने हर लग जाएगा, निस्त हस्त पृथ्व्याम अपना हाथ अपनी सूंड को पृथ्वी पर रख के द्रुत मुकुलित दृष्टि ऐसी उसकी आंख होगी। और ये मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूं, ऐसे अनेक श्लोक दिए उन्होंने, प्रति सूर्य ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया है ज्योतिष शास्त्र में कि दो सूर्य दिखाई देंगे कभी आकाश में तो घटनाएं आने वाली अच्छी नहीं होगी, और ऐसी घटनाएं दिखाई दी है ताइवान के अंदर न्यूज में इस चीज को बताया गया, और ऐसी अनेकानेक घटनाएं आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी जबकि दो दो सूर्य दिखाई दिए जैसा कि वर्णन। और धूमकेतुओं के बारे में, उल्काओं के बारे में वर्णन, आप आश्चर्य करेंगे, एक ग्रंथ है अद्भुत सागर 11वीं शताब्दी का आचार्य लक्ष्मण सेन के द्वारा लिखा हुआ, उसमें बहुत सारे धूमकेतुओं का स्वरूप आकार का वर्णन किया है और ये भी लिखा गया है कि वो बार बार कितने चक्कर काटते हुए कितने साल में वापस दिखाई देंगे पृथ्वी पे। और ऐसे धूमकेतुओं की संख्या उसमें सैकड़ों है, उनका आकार दिखाया और यह भी बताया कि जब यह धूमकेतु दिखाई देगा तो वो किस क्षेत्र में कैसी पीड़ाएं करेगा, पृथ्वी पे कौन सी समस्याएं उत्पन्न करेगा। और कई धूमकेतु तो ऐसे हैं जिनका कि दर्शन 300-300 वर्ष के बाद होगा, ऐसा वर्णन किया गया है कि यह पितामह केतु है, यह संवर्त केतु है, यह चल केतु है, यह रौद्र केतु, ऐसे नाम है, और वह जब वह केतु घूमते हुए फिर उसे दिखाई देगा 300 वर्ष बाद तो ऐसी घटना पृथ्वी पे घटित होगी। तो आप सोचिए 300 वर्ष बाद फिर से दिखाई देगा, इसका पता कैसे चला होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहली बार उस धूमकेतु को देखा होगा वो तो 300 साल बाद जीवित नहीं होगा, लेकिन उसने कहीं डॉक्यूमेंटेड किया होगा, लिखा होगा, उसके बाद में उसकी चौथी पीढ़ी ने फिर से उस धूमकेतु को देखा होगा और अपने उन प्रपर दादा के उस बात को चेक किया होगा कि हाँ ऐसा धूमकेतु आया है फिर से, उतने वर्ष बाद ही आया है, उसका फल तक लिखा है, ऐसा फल प्रतिपादित होगा। तो कितना बड़ा विज्ञान है, सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ जब परिवेश दिखाई देगा तब क्या फल होने वाला है, चंद्रमा का जो श्रृंग है उसकी आकृति कितनी ऊंची है, कितना तीखा बना है, किस दिशा में बना है, उसका भी क्या फल होने वाला है वह प्रतिपादित किया। अलग अलग दिशाओं में जब इंद्रधनुष दिखाई देगा किस रंग का होगा, किस आकार का होगा, किस दिशा में दिखाई देगा, उसका फल प्रतिपादित किया है। अलग अलग प्रकार की बिजली जब चमकेगी वो किस दिशा में चमकेगी, किस आकार की होगी, कैसे वर्ण की होगी, तब उसका क्या प्रभाव होने वाला है यह प्रतिपादित किया। भूकंप आने से पूर्व कुछ एक विशेष प्रकार की रोशनी आकाश में दिखाई देती है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक प्रतिपादित करते हैं, उसको उन्होंने अर्थक्वेक लाइट बोला है, और ऐसा ही वर्णन ज्योतिष शास्त्र की संहिता स्कंद में दिग्दाह नाम से बताया गया कि ऐसा दिग्दाह दिखाई देगा और उसका अलग अलग फल होगा अलग अलग दिशा में दिखाई देने पर। और ऐसा 2011 मार्च जापान के अंदर दिखाई भी दिया, गंधर्व नगर बादलों की ऐसी विचित्र आकृति बनेगी कि जैसे कोई आकाश में नगर हो, और उस नगर का भी फल प्रतिपादित किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया है सिर्फ आपदाओं के पूर्वानुमान की विधियां जो कि संहिता ज्योतिष के अंदर एक विषय है, आपदाओं का पूर्वानुमान। ऐसे अनेकानेक विषय है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो कि पूर्णतया आज के वैज्ञानिक
जो नियम है आज की नई वैज्ञानिक खोज है उनके साथ में सामंजस्य बनाते हैं। अनुज जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अनुज अनुज प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। जी डॉक्टर साहब आगे कैरी ऑन। अभी हो नहीं पाया जी। अनुज जी तो, प्लीज सुन लीजिए, कोई उनको फोन कर दीजिए। डॉक्टर साहब अनिल जी हो गया, हो गया, हो गया, फिर से खुल गया, हो गया, हो गया, फिर से खुल गया। हाँ चलिए, तो ऐसे अनेकानेक विषय है जिसको कि आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान के संदर्भ में पूर्ण विज्ञान रूप में देखा जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। वज्रलिख निर्माण की प्रक्रिया है जिससे कि आप ऐसा सीमेंट बना सकते हैं जो कि हजारों वर्षों तक स्थायी रहे। प्लीज कोई कॉल कर दीजिए उनको। अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए, अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप ऑन कर लीजिए। प्रवेश जी अब आप ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक हो गया, मेरी आवाज आ रही आ रही है। ठीक है, तो यह दूसरा स्कंद हुआ। अब आते हैं मुख्य तीसरा स्कंद जिसे होरा शास्त्र कहते हैं और जिसका संबंध सबसे ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति के साथ है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का कि मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। ये कुंडली देखना, इसके द्वारा फल का प्रतिपादन करना, ये कैसे वैज्ञानिकता है? और इस पे ही सबसे ज्यादा कटाक्ष होता है, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रश्न उठाया जाता है कि ये सबसे ज्यादा ढोंग है, आप कैसे का फल कैसे कर सकते हैं, ये ग्रह इतने दूर है, ये कैसे आपको प्रभावित कर सकते हैं, ये तारे नक्षत्र। तो आइए हम इस होरा स्कंद की वैज्ञानिकता को जानने का प्रयास करते हैं आधुनिक विज्ञान के द्वारा। तो इस हेतु कुछ समय तक मैंने खोज करके अनेक ऐसे वैज्ञानिकों के शोध जो परिणाम थे उनका संकलन किया और प्रयास किया कि क्या जब कोई अंग्रेज कोई पाश्चात्य वैज्ञानिक अपने शोध के द्वारा ग्रहों के प्रभाव को प्रतिपादित करेगा तो शायद भारत के लोग मान जाए, क्योंकि ऋषियों की बात तो वो नहीं मानेंगे, वो ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई प्राचीन जो आधुनिक वैज्ञानिक है अगर वो इसको बोले तो निश्चित रूप से हम इसको विज्ञान मानेंगे। तो वही प्रयास किया मैंने। तो ऐसे अनेक शोध परिणाम, और इसी बीच में मैं एक आपको विशेष बात बताऊं कि सूर्य से सप्तरश्मि ही अगर कोई भी कलर आप देखते हो तो वो कलर आपको क्यों दिखाई देता है? कोई भी रंग आपको काला नीला सफेद लाल, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस पदार्थ के ऊपर टकराई और उस पदार्थ के अंदर जो भी तत्व मौजूद था, जो रंग मौजूद था, उसने उस रंग को परावर्तित कर दिया, लेकिन बाकी जो कलर थे उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसमें वो तत्व पहले से विद्यमान है, इसलिए उस तत्व को उसने फेंक दिया, लाल रंग को फेंक दिया कि नहीं मेरे अंदर तो वो है, इसलिए आप उस वस्तु को लाल देख पाते हो। किसी वस्तु को नीला देखते हो तो उसने नीले रंग को परावर्तित कर दिया है, फेंक दिया है। तो आप सोचिए इन ग्रहों का भी अपना एक रंग दिखाई देता है विशेष। आचार्यों ने प्रतिपादित किया कि शनि नील वर्ण है, गुरु पीत वर्ण है, भौम लाल रंग का है, शुक्र भास्वर श्वेत शुक्ल वर्ण का है, बुध हरे रंग का है, और पुराणों में वर्णन है कि सूर्य की विशिष्ट रश्मियां, हम कहते हैं कि उसमें सात रंगों का इंद्रधनुष के इस तरीके से वर्णन ही, जबकि है उनका एक एक रंग का नाम दिया है कि विश्वकर्मा नाम की जो किरण है वह बुध को परावर्तित करती है, उसको प्रकाशित करती है। विश्व व्यचा नाम की जो किरण है वह शुक्र को प्रकाशित करती है। संयद वसु किरणें भौम को प्रकाशित करती है। अरवा वसु किरणें गुरु को प्रकाशित करती है। स्वराट नाम की किरणें शनि को प्रभावित करती है। वो वहां से टकरा कर आती है, तब जो रंग आप सात
आज प्रिज्म में देखते हैं, सूर्य के इंद्रधनुष में देखते हैं, वही रंग इन सात ग्रहों के भी तो है, इन ग्रहों पांच इन ग्रहों के हैं। और भी वर्णन किया है पुराण ने कि इसमें भी यह मुख्य रश्मियां तो है ही, लेकिन प्रत्येक रश्मियों की सहस्र उप रश्मियां भी है, और वे रश्मियां टकरा कर आपके ऊपर आती है। और आपको पता होगा कि आप किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हो जबकि वहां से प्रकाश की किरण टकरा के आपके आंखों पर आ रही होगी। अगर आपके कमरे में अभी पूरा अंधकार हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपकी दीवारें आपको नहीं दिखाई देगी, आपकी टेबल कुर्सी फर्नीचर कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जरूरी है, वहां से टकराए और आपकी आंखों पर आएगी तो दिखाई देगा। तो अगर आप इस ग्रहों को देख पाते हैं, नक्षत्रों को देख पाते हैं, इसका मतलब वहां से प्रकाश की कोई किरण चल के आई है और आपके आंखों पर पड़ी है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। और इसको आज के आधुनिक विज्ञान ने खोजा है और उन्हें न्यूट्रिनो पार्टिकल नाम दिया है, न्यूट्रिनो, द की टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स इफेक्ट। आज वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है कि सूर्य से अंतरिक्ष के अनेक तारों से सुपरनोवा से निरंतर पृथ्वी के ऊपर न्यूट्रिनो कणों की बौछार हो रही है। और ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता को प्रतिपादित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि न्यूट्रिनो कण जो है वो प्रत्येक तारे की आत्मा है, मेन पार्टिकल वही है और उसमें से वह निरंतर निकलते रहते हैं। 10 अरब न्यूट्रिनो कण प्रति सेकंड आपकी मनुष्य की छोटी सी अंगुलू के पोर से निकल रहे हैं। आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्री का दृश्य दिखाता हूं। आपको ये सुनाई दे रही है क्या आवाज? सत्य कहते जी इसकी आवाज आ रही है? नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले और अभी डिटेक्ट किए जाने वाले ज्यादातर न्यूट्रिनोज बिग बैंग होने के 10^-4 सेकंड बाद बने थे। बिग बैंग होने के 1 सेकंड के बाद से हमारा ब्रह्मांड ऐसा हो गया था कि न्यूट्रिनोस उसमें फ्रीली ट्रैवल कर सकें, क्योंकि ये किसी भी चीज से शायद ही इंटरैक्ट करते हैं, तब से आज तक ये इस ब्रह्मांड में ट्रैवल ही कर रहे हैं। हालांकि बिग बैंग के अलावा ये कई और जगहों और तरीकों से बनते हैं, जैसे कि हमारे सूर्य से भी बनते हैं, ये रेडियो एक्टिव डीके में भी बनते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भी बनते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी बनाए जाते हैं। उसी तरह इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान यह बता रहा है कि ऐसे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं पूरी सुपरनोवा से और आपको प्रभावित कर रहे हैं आपके प्रत्येक कण में से, और वो इतने सूक्ष्म हैं कि आपके शरीर के जो ऊतक जिन रसायनों से बने हैं उन रसायनों के अंदर जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के अंदर जो अणु हैं उन परमाणुओं के पास से होके अंदर से होके वो निकल जाते हैं और ये घनीभूत पदार्थों के आर पार हो जाते हैं। अगर ब्रह्मांड से चले हुए न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच में बृहस्पति आ गया, मान लीजिए ग्रह आ गया, तो वो बृहस्पति को पार कर जाते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि केवल वे पार नहीं करते हैं अपितु अपने साथ में उस ग्रह के गुणों को साथ ले आते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री का लिंक भेज दूंगा, आप पूरा देखना इसे कि वे अपना स्वरूप बदलते हैं, अपने साथ में उसके व्यवहार को और स्वभाव को साथ लेके आ जाते हैं। वे सूचनाओं को इस ब्रह्मांड में फैलाते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने चंद्रमा है और चंद्रमा के पीछे न्यूट्रिनो कण है, तो वो चंद्रमा से पार होते हुए उस चंद्रमा के गुण को लेते हुए आपके ऊपर आ जाएंगे। जॉर्ज लाखोवस्की, फिर से मैं एक पाश्चात्य विद्वान का ही प्रमाण देता हूं जिन्होंने एक बुक लिखी है द ग्रैंड प्रॉब्लम। वे बताते हैं अपनी उस पुस्तक में कि
समस्त ग्रह उपग्रहों से आने वाली किरणें निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा पकड़ में नहीं आता है। ब्रह्मांड किरणें जो विविध तारों एवं नक्षत्रों से आ रही है तथा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष आ रही है पृथ्वी पर आ रही है, वे कोशिका केंद्र के गुण सूत्रों पर आघात करती है। आपकी कोशिकाओं के अंदर जो आपका डीएनए है वहां पे जाके चोट मारती है। ये गुण सूत्र वैश्व वैद्युत अनुनादन होते हैं। ये जो आपके गुण सूत्र है वो कॉस्मो इलेक्ट्रिक रेजोनेटर्स होते हैं, उन्होंने बताया, जो उन ब्रह्मांड किरणों को ग्रहण कर लेते हैं और अपने अंदर रचा बसा लेते हैं, जिससे कि दैहिक विद्युत वाइटल इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आपका एक ऑरा तैयार होता है, तथा वह रहस्यपूर्ण शक्ति अस्तित्व में आती है जिसे कि जीवन कहते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1869 में और 1942 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इनके शोध को बाद में आगे बढ़ाया गया और ऐसे अनेक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात पर आगे और शोध किया कि कैसे आप मनुष्य के गुणसूत्रों पर भी आघात करते हैं। और आज इस प्रकार की लेबोरेटरीज बनाई गई है जिनमें कि इन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को चेक किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है। तो अब हम इस सिद्धांत को देखते हुए जाने कि जन्म कुंडली क्या है, फिर ये इतना क्या महत्वपूर्ण समय हो जाता है कि आपको पूरा जीवन दिखाई देने लग जाता है मनुष्य का। तो जब तक बच्चा माता के गर्भ में है, जब तक बच्चा गर्भ की नाल के साथ माता के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि अपना सारा खाना पीना श्वास लेना सारा पोषण उसका पूरा जीवन उसी से जुड़ा हुआ है, उस गर्भ की नाल से जुड़ा हुआ है। वो माँ का ही एक भाग है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो खुद सांस नहीं ले रहा है, वो खुद खाना नहीं खा रहा है, लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है नालच्छेदन हो जाता है, पहली श्वास जब वो खींचता है तो पूरे ब्रह्मांड के प्रभाव को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसा कि जॉर्ज लाकोवस्की बताते हैं कि उसका एक एक गुण सूत्र स्वतंत्र अस्तित्व में आता है और ब्रह्मांड के किरणों का एक प्रभाव उसके ऊपर छप जाता है। बृहस्पति किसी एक नक्षत्र के सम्मुख था तो वहां से उन किरणों का प्रभाव उस बृहस्पति से पार करते हुए आया तो वो एक अलग प्रभाव दे रहा था। चंद्रमा अगर वृष राशि में था, रोहिणी नक्षत्र में था, आचार्यों ने कहा कि जब वहां से न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आ रहे हैं और चंद्रमा को होते हुए मनुष्य के शरीर पे आ रहे हैं तो उसका प्रभाव बड़ा उत्तम है। तो उन कणों के स्वभाव तक को जाना कि ये इस स्थिति में अगर ग्रह थे और वहां से जब कण आ रहे थे तो वो पॉजिटिव इफेक्ट ला रहे थे, नेगेटिव इफेक्ट ला रहे थे, न्यूट्रल इफेक्ट ला रहे थे, क्या कर रहे थे, तो सोचिए उस अवस्था तक व्यक्ति कैसे जान सकता है, उन कणों के गुण को कैसे जान सकता है कोई। तभी जान सकता है जब उन कणों के साथ वो एकाकार हो गया हो, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था में जब पिंड और ब्रह्मांड एक समान हो गया होगा तब उन्होंने इस अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव को भी देख लिया होगा। और वह सूक्ष्म प्रभाव जब व्यक्ति के ऊपर छप जाता है तो उसका एक एक्सरे, माइनर एक्सरे तैयार हो जाता है जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। और मैं आपको इसके पीछे का मूल सिद्धांत बताऊंगा। दर्शन शास्त्र समस्त विद्याओं का आधार है भारतीय, और कर्मफल का सिद्धांत बताता है कि मनुष्य संचित प्रारब्ध और क्रियमाण आत्मा की परिकल्पना है हमारे सनातन परंपरा में। और यह आत्मा जो भी आप कर्म करते हो वो सारी मेमोरीज अपने अंदर रखती है, वो सारे कर्मों का फल अपने अंदर समाहित कर लेती है। और जन्म जन्मांतरों से आपका जन्म होता रहा है, उन सारे कर्मों के फल को आप अपने अंदर संचित करते जा रहे हो। और आपका जन्म अगला तय होता है प्रारब्ध कर्म के अनुसार, वो जितना भी आपने अभी तक संचित कर्म का संकलन किया है उसका जितना भाग आपको इस जन्म में भोगना है वो आपका प्रारब्ध है। ये इतने सारे 100 में से आपको 10% इस जन्म में भोगना है, तो वो 10% जो है वो आपका इस जीवन का काल है। और इस जन्म में आने के बाद जो आप कर्म करेंगे वो क्रियमाण कर्म है, वो इकट्ठे होंगे फिर संचित में जाएंगे। तो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्मों को संचित करके आ रहा था, जिस प्रकार की इच्छाओं को लेके आ रहा था, जिस प्रकार के कर्मों को और जिस भावना के साथ में उसकी मृत्यु हुई थी, कहते हैं कि मृत्यु का अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण है,
उस समय में राम का नाम लीजिए, भगवद गीता का पाठ कीजिए, अच्छी भावना रखिए, अंतिम क्षण में जिस प्रकार की भावना होगी अगला जन्म वैसा हो जाएगा। और अंतिम क्षण में व्यक्ति को पूरी जिंदगी रिकॉल होती है उसने क्या किया अब तक, उसमें वो जिन भावनाओं को पकड़ता है, जिस प्रकार की भावनाओं से उत्प्रोत हो जाता है, अगला जन्म उसका वैसे बनने लग जाता है। तो वह आत्मा जो अनेक इस जन्म में अनेक जन्मों से किसी एक विशेष कार्य को करने का प्रयास कर रही थी, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता था, उसने बहुत प्रयास किया, इस जीवन में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ बने, लेकिन उसको अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा में वो संस्कार है, तो अगला जन्म उसका उस कुल में होगा, उस गर्भ में होगा, उस परिवार में होगा, और उस प्रकार की ग्रह स्थिति में होगा जिससे कि वह फिर से उस जर्नी को प्रारंभ कर सके, वो फिर से एक बड़ा म्यूजिशियन बन सके। तो जन्म कुंडली के अंदर वैसा योग जब बनेगा कि इस अवस्था में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति एक अच्छा संगीतज्ञ होता है, अच्छा वक्ता, अच्छा कंठ लेके पैदा होता है, तब तक उसको इंतजार करना पड़ेगा, उस आत्मा को उस समय तक इंतजार करना होगा, जब तक कि वो ग्रह स्थिति नहीं बनेगी तब तक उसका जन्म नहीं होगा। एक योगी अगर निरंतर मोक्ष की इच्छा करता था, अपने गुरु के सानिध्य में उसने अभ्यास किया, और अगर उसको मोक्ष की इच्छा नहीं रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई, मोक्ष नहीं मिला, तो अगला जन्म उसका ऐसे कुल में होगा, ऐसे परिवार में होगा, ऐसे वंश में होगा, ऐसे गर्भ का वह चयन करेगा, ऐसी माता का वह चयन करेगा जो कि इस प्रकार की योग साधना संस्कार और धर्म धारणा से युक्त होगी, और वैसी ग्रह स्थितियां जब आएगी। इसलिए महापुरुष किसी ऐसे ही माँ के गर्भ में पैदा होते हैं जो कि अत्यंत विलक्षण होती है, जो अत्यंत भक्ति भक्तिशालिनी होती है, योगिनी होती है। जीजाबाई के गर्भ से ही शिवाजी पैदा होते हैं, क्यों? और वह एक वैसी ही ग्रह स्थिति का चयन करती है आत्मा, नहीं तो उस आत्मा को इंतजार करना होगा 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष उस योगी की आत्मा को इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि वैसी ग्रह स्थितियां नहीं बनेगी जिसमें कि मोक्ष की प्राप्ति होने वाली हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, अर्जुन तेरा और मेरा अनेक जन्म बीत चुके हैं, अब यह जन्म है तेरा जब तुझे इस गीता के ज्ञान को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। अनेक जन्मों से तू ये प्रयास करते आ रहा है। गौतम बुद्ध एक ही जन्म में सिद्धार्थ रूप में नहीं आए हैं, अनेक जन्मों से वह आत्मा मोक्ष प्राप्ति की, बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयास कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के रूप में उन स्थितियों में वह पैदा हुई शुद्धोधन के गर्भ के अंदर, शुद्धोधन के परिवार में, जिसमें कि उसे वह बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो यह है जन्म कुंडली, व्यक्ति के कर्म फलों का भोग करने के लिए वह उस समय का चयन करती है आत्मा। इस तरीके से इस ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान को समझाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः, ऋग्वेद कहता है चंद्रमा मन से पैदा होता हुआ है, विराट पुरुष के चंद्रमा मन का कारक है। और मन क्या है? दर्शन शास्त्र कहता है सुख दुखात्मकम मनः, सारी भावनाओं का मूल कारण मन है। जो भी आपके अंदर भावना है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, जो भी आप सोचते हैं उन सबका मुख्य कारण मन है। जापान के एक वैज्ञानिक मसारो इमोटो ने लंबे अनेक वर्षों तक जीवन में शोध करने के बाद यह सिद्ध किया कि जो जल होता है, पानी, वो आपकी भावनाओं को ग्रहण कर लेता है, आपकी बातों को सुनता है, आपकी इमोशंस को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। और उन्होंने एक अपने शोध के बाद एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, द हिडन मैसेज इन वाटर। अगर आप पानी के सामने कंपैशन की भावना रखेंगे तो इस प्रकार के उसके अंदर क्रिस्टल बनेंगे। उन्होंने उस पानी को जमाया, फ्रीज किया, माइक्रोस्कोप के ऊपर, उसकी सिल्ली के ऊपर देखा कि कैसे उसके अंदर स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, तो देखा कि हर एक भावना का अपना एक स्वरूप है, प्यार की भावना का अलग स्वरूप है। अगर आप गाली देंगे उसको, कहेंगे आई विल किल यू, यू आर फूल, तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। अगर आप बहुत सुंदर म्यूजिक बजाएंगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, हैवी म्यूजिक बजाएंगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो उस पानी के अंदर हर एक भावना का असर होता है। हिमालय से चलने वाली नदी के अंदर केवल उन औषधियों का ही प्रभाव नहीं है, अपितु उस हिमालय के अंदर बैठे हुए उन योगियों की तपस्या का प्रभाव भी उस जल के अंदर समाहित हो गया है। आज तक नहीं खोजा जा पा रहा है कि इस गंगा का जल सड़ता क्यों नहीं है,
ऐसा क्या प्रभाव है? अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि लोग केवल एक पानी के ऊपर फूंक मार के दे देते हैं और भीड़ लगी होती है उसको पीने के लिए। होली वाटर की परंपरा न केवल इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हर एक संप्रदाय में, हर एक धर्म में पाई जाती है। तो मसारो इमोटो ने यह कहा कि आपके अंदर का जो जल है 75% वो आपके अंदर इमोशंस का कारण है, क्योंकि जल ही है जो इमोशनली अट्रैक्ट कर रहा है, इमोशनली रिएक्शन कर रहा है। जब गिलास में पड़ा हुआ पानी आपकी भावनाओं के साथ रेस्पॉन्ड करता है तो आपके अंदर का पानी भी तो रेस्पॉन्ड करता होगा। और वो कहते हैं कि केवल आपकी बॉडी नहीं, इस पूरी पृथ्वी का 70% वाटर इस ब्रह्मांड के साथ रेस्पॉन्ड करता है, उसमें भी भावना है, पूरा समुद्र भावनाओं से ओतप्रोत है। जब चंद्रमा उस पूरे समुद्र की भावनाओं को खींच लेता है, आप सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है चंद्रमा का जो कि उसको खींचता है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा एक समान रहती है। अगर आप पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स को बोले तो वो तो फिक्स है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कोई बदलती है क्या? धूप आने से क्या वो चेंज हो जाती है? तो चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है? नहीं। लेकिन पूर्ण मून आने पे क्यों पृथ्वी का सारा जल उसकी तरफ खींचने लगता है? अभी तक उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, कोई ग्रेविटी नहीं है, वो एक भावना है उस चंद्रमा की, वो अपने समान तत्व को खींच रहा होता है। तो वो समुद्र को अकेले को नहीं खींच रहा, आपके अंदर की भावनाओं को भी खींच रहा है, क्योंकि सेम कॉम्पोनेंट आपके बॉडी में भी, उस आपके खून में भी सेम कॉम्पोनेंट है। समुद्र का जो क्षारीय जल है पीएच 7.5, आपके ब्लड का भी जो क्षार है वो भी 7.4 है। 70% वाटर जैसे पृथ्वी के ऊपर ढका हुआ है वैसे आपकी बॉडी में भी है। तो आप सोचिए आपकी भावना आपके जल से जुड़ी है, आपका जल चंद्रमा के द्वारा खींचा जाता है और आपकी भावनाएं आपके मन से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपके मन को खींच रहा होता है और इसके प्रमाण बहुत सारे हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा चंद्रमा मनसो जाता है। 1935 से लेकर 1970 तक 1900 मर्डरर्स की साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया गया, कब कब मर्डर्स बढ़ गए। डॉक्टर एरलॉन्ड एल लीबर एमडी है, साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर कार्लिन आर शेरीन यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में, आप गूगल करके देख सकते हैं, उन्होंने पाया कि जब जब भी फुल मून का टाइम आता था तब तब मर्डर रेट्स बढ़ जाते थे। इस ज्यादातर खून तब किए गए, मर्डर्स तब किए गए जब जब की 24 आवर्स बिफोर और आफ्टर फुल मून। भारत में सीपी ठाकुर दिलीप शर्मा जी ने पटना मेडिकल कॉलेज के अंदर 1978 से 1982 के बीच शोध के अंदर ये पाया कि क्राइम्स के इंसिडेंट्स फुल मून डेज में बहुत ज्यादा हायर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपराध बढ़ने लग जाते हैं। ब्रिंगटन यूनाइटेड किंगडम के अंदर डॉक्यूमेंट्री में बताया है, पुलिस इंस्पेक्टर एनडी पाल ने बीबीसी को बताया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में, इन माय एक्सपीरियंस ओवर 19 इयर्स ऑफ बीइंग ए पुलिस ऑफिसर अनडाउटली ऑन फुल मून्स वी डू सीम टू गेट पीपल विद सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंजर बिहेवियर, मोर फ्रैक्शंस आर्ग्यूमेंटेटिव, एंड आई थिंक दैट्स something that's been borne out by police officers up and down to country for years. कहते हैं कि हमको उस समय में पुलिस फोर्स ज्यादा बढ़ानी पड़ती थी जब फुल मून टाइम आता था, लोग ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे, ज्यादा लड़ाई झगड़े करते थे, ज्यादा नशा करते थे और वायलेंट के इंसिडेंट ज्यादा बढ़ जाते थे। क्वींस यूनिवर्सिटी कैनेडा में हुए रिसर्च में बताया गया कि महिलाओं के जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे वो फुल मून टाइम के आसपास ज्यादा बढ़े, और जो मेंटल बीमारियों से ग्रसित लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर दिखाई दिया फुल मून के टाइम में। वैसे ही साइकेट्रिक हॉस्पिटल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर 2013 में की गई स्टडी में पता चला है कि द रिसर्चर्स फाउंड द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
full moon, the brain activity that was related to deep sleep dropped by 30%. जो गहरी नींद लोगों को आती थी वो 30% कम हो जाती थी। और ऐसे अनेक शोध हैं। 1976 से 83 के बीच में 312 वुमेन के ऊपर स्टडीज की गई जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। द लूनर इफेक्ट बुक लिखी है, उसमें बताया कि मून इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यदि सूर्य के बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र साक्षात साफ कहता है, सारे ग्रंथों में कहता है कि सूर्य हड्डी का कारक ग्रह है, सूर्य व्यक्ति की आरोग्य का कारक ग्रह है, सूर्य व्यक्ति के नेत्रों का कारक ग्रह है, हृदय का कारक ग्रह है। तो आज का विज्ञान कहता है कि विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है एंड विटामिन डी एब्सॉर्ब्स कैल्शियम। आप कितना भी कैल्शियम खाइए, अगर आप में विटामिन डी नहीं है तो वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा, वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो विटामिन डी ऑल्सो प्लेज ए रोल इन मस्कुलर फंक्शन एंड द इम्यून सिस्टम। विटामिन डी आज के सारे मेडिकल साइंटिस्ट बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, धूप में बैठना बहुत जरूरी है, विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, उससे इलनेस बढ़ जाती है। तो सूर्य हड्डियों का कारक है, आपको पता है कैल्शियम से ही हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां है ही कैल्शियम का रूप साक्षात। और लंदन के अंदर ऑप्थेल्मोलॉजी जो आंखों से संबंधित शोध करते हैं, उन्होंने पाया कि चूहों के ऊपर शोध किया और पाया कि आफ्टर जस्ट 6 वीक्स 6 महीने तक 6 सप्ताह तक विटामिन डी सप्लीमेंट देने के बाद जो एल्डरली माइस चूहों की विजन वाज इंप्रूव्ड, रेटिनल इन्फ्लेमेशन लेवल वाज रिड्यूस्ड एंड रेटिनल मैक्रोफेज वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, उनकी आंखों की ज्योति ज्यादा इंप्रूव हुई विटामिन डी देने से, क्योंकि वह एक बड़ा कंपोनेंट है। और ऐसे अनेक शोध हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्शल पोमेलॉक्स ने बताया कि जब जब सूर्य के ऊपर तूफान आते हैं तब तक दिल के दौरे ज्यादा पड़ते हैं। तोमा तो नाम के वैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि जब जब सूर्य के ऊपर आणविक बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं, तब खून पतला होने लगता है पुरुषों का भी, स्त्रियों का तो खून पतला होता ही है लेकिन पुरुषों का भी खून पतला होने लग जाता है, उन्होंने अपने अनेक लंबे समय तक किए गए शोध में पाया है। तो इनविजिबल इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर वैनन ने बताया कि सूर्य की ऐसी अनेक अदृश्य शक्तियां गुण धर्म है जिनपे हमें बहुत शोध करना बाकी है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में कहा है लाल रक्त कणिकाओं का कारक, खून का कारक ब्लड, और आपकी स्ट्रेंथ मसल्स। आज जब मंगल पर यान चले गए हैं तब उन्होंने बताया है कि मंगल के ऊपर आयरन बहुत अधिक मात्रा में, उसकी सॉइल के अंदर लोहा है जो ऑक्साइड के साथ मिलकर की आयरन ऑक्साइड बनाता है और उस कारण से वह लाल रंग का दिखाई देता है। एंड आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन और द सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू आउट योर बॉडी। हीमोग्लोबिन ही आपके ब्लड के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको बनाने का मुख्य कारण है। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल है और वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, वो आपकी मसल्स को बनाने का काम करता है आयरन। और ज्योतिष शास्त्र ने तो बताया कि आपकी मसल्स का और आपकी लाल रक्त कणिकाओं का कारक मंगल है। और ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा कि मंगल भूमि पुत्र है। आज यह पता चला है कि पृथ्वी पर जैसे 24 घंटे का दिन होता है मंगल भी उतना ही घूमता है, उसका रोटेशन भी ऐसा ही है 24 घंटे 37 मिनट का है। पृथ्वी जैसे 23.5 डिग्री झुकी है मंगल भी 25 डिग्री झुका है, शायद पहले ही पृथ्वी जितना झुका हुआ रहा होगा। जैसे पृथ्वी के ऊपर ध्रुव है वैसे ही मंगल के ऊपर भी ध्रुव है, इतनी ज्यादा समानताएं हैं। इसी कारण से टेस्ला कंपनी यह प्रयास कर रही है कि SpaceX यह प्रयास कंपनी कर रही है कि अगला जीवन मंगल के ऊपर हो सकता है, विच इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के साथ सामंजस्य रखने वाला सबसे बड़ा ग्रह मंगल है, इसलिए मंगल को भूमि का पुत्र कहा है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, बस आज वहां पर जल नहीं है, अगर जल होगा तो बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे ही। अब चंद्रमा का पुत्र कहा है बुध को,
आप सोचिए बुध कितना छोटा है। आप यहाँ इस चित्र में देखिए, जब सूर्य के सामने से पार गमन करता है मर्क्यूरी बुध, तब इतना छोटा सा बिंदु के रूप में दिखाई देता है। आप आंखों से तो देख ही नहीं सकते, सूर्य के आसपास रहता है हमेशा। और आचार्यों ने ये बोला कि चंद्रमा का पुत्र है बुध। नासा के मैसेंजर 2011 में वहां पे गए, उसकी कक्षा में घूमना प्रारंभ किया। मैसेंजर यान जब उनका पहुंचा वहां पे, 2015 तक उसने वहां पर बुध का चक्कर काटा, और वहां पर उसने जो परिणाम बताए आपको आश्चर्य होगा देख करके। उन्होंने कहा कि जैसे चंद्रमा का कोर है, जैसे उसकी सतह है, बिल्कुल बुध वैसा ही दिखाई देता है। देखिए आप, नासा का फोटो है, चंद्रमा एक तरफ है, बुध एक तरफ, बिल्कुल एक जैसे दिखता है। और चंद्रमा बुध से बड़ा है डायमीटर में, वो जस्ट एवे माँ के रूप में दिखता है चंद्रमा, और बुध उसके बेटे के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देता है। चंद्र पुत्र है वो बुध है, बिल्कुल उसके जैसा है। बहुत आश्चर्य की बात है, और वो आज सिद्ध हो रहा है कि हाँ सच में सबसे ज्यादा सिमिलर बुध जो है वो चंद्रमा से है। बृहस्पति के बारे में हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि यह पेट का कारक है, उदर का कारक है, संतान का कारक है, आपके पाचन शक्ति का कारक है। अब बृहस्पति को भी आप आंखों से देख नहीं सकते, उसके कलर को देख नहीं सकते यहाँ से, बहुत माइनर टेलीस्कोप आने के बाद दिखाई दे कि हाँ सच में कलर इसका ऐसा ही है, ऊपर लाल लाल रंग का है, पीले पीले रंग का है। और जब पायनियर 11, वाइजर 1, वाइजर 2, कसीनी नाम के यान जब बृहस्पति के पास से पहुंचे, तब पता चला कि इसकी सतह के ऊपर तो 98% ओनली गैस है, और वो भी हाइड्रोजन है। आपको पता है जब आपके पेट में एसिड है, एसिड उसको कहते हैं जो घोलने पर हाइड्रोजन को छोड़ता हो, H पॉजिटिव को छोड़ता हो, क्षार उसे कहते हैं जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड को छोड़ता हो। तो आपके अंदर भी पीले रंग का ऐसा पित्त एसिड रहता है, अगर उसको आप अभी निकाल के उगल के आपके सामने टेबल पर डाल दें तो टेबल गल जाएगी, इतना तेज होता है वो आपके खाने को पचा रहा होता है। तो वो एसिड हाइड्रोजन के द्वारा इस खाने को तोड़ता है, और बृहस्पति तो पूरा हाइड्रोजन का ही गोला है 98%। शायद क्या पता आपके पेट के अंदर का पित्त उसके समान एक जैसी वाइब्रेशन लिया हुआ हो। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी कहती है कि इस ब्रह्मांड में किसी एक प्रकार का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के समान अगर है, एक ही अणु है, तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर हाइड्रोजन यहाँ पृथ्वी पर है, चाहे किसी तारे पे है, चाहे किसी ब्रह्मांड के अन्य कोने में है, उसका अपना अंदर का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होगा। उसके अंदर के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसा घूम रहा है वो हर जगह वैसा ही घूम रहा होगा। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन ने भी इस ब्रह्मांड में उल्टा घूमना शुरू कर दिया तो इस ब्रह्मांड के सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमना शुरू कर देंगे। आपस में सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पता नहीं इनके अंदर बीच में कौन सा कम्युनिकेशन चलता है। अब सर्च करना गूगल में क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी, वो ये कहती है कि सारे एक समान परमाणु एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। तो आपके पेट के अंदर वाला जो पित्त है एसिड है, वो शायद इस बृहस्पति के साथ कम्युनिकेट करता रहता है। और जब जब बृहस्पति खराब होता है, इस कुंडली के अंदर आपका पेट दर्द करने लगता है, संतान नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है। शनि के संदर्भ में आपने श्लोक सुना होगा, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। नीलांजन समाभास नीलांजन के समान दिखाई देता है। आप सोचिए जब तक 14 दिसंबर 2004 से पहले तक कोई यान शनि के पास से गुजरा नहीं था, तब तक उसका फोटो कभी नहीं मिला था। नासा का जब यान कसीनी 14 दिसंबर 2004 शनि के पास पहुंचता है, तब वो इस प्रकार के फोटोज भेजता है, तब पहली बार पता चलता है कि नीलांजन समाभासम सच में ये नीला है। आचार्यों ने पता नहीं कैसे देखा होगा, और आचार्यों ने केवल ये नहीं देखा है, उसमें तो अलग अलग रंग बदलते भी रहते हैं, ऐसा आचार्यों ने बोला। और जो कसीनी यान गया, उसने जब शनि के ध्रुव के ऊपर गया, तो कहते हैं कि दो पृथ्वी के तुल्य इतना बड़ा उसका ध्रुव है, और उसके ऊपर एक षटकोणाकृति बनी हुई, परफेक्ट हेक्सागन बना हुआ है, जो कि कलर चेंज करता रहता है। आप इस लिंक को जाके देख सकते हैं, चेंजिंग कलर्स इन सैटर्न अंड जहा रविजो यदि चित्र अक्षत भयकृत यदि पीतमयू का चित्रवर्ण का दिखाई देगा, तो अंडजो की हानि करेगा। जब वर्ड फ्लू फैला हुआ तो शायद उस पे चित्रवर्ण की आकृतियां बन रही होगी। और शनि के लिए लोहे का दान करते हैं। अब ये नासा की वेबसाइट का ही लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है,
एट सैटर्न सेंटर इट्स अ डेंस कोर ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल, उसके अंदर जो डेंस कोर है, तो इस बृहस्पति और शनि के अंदर सिर्फ कोर है छोटा सा, बाकी तो ये दोनों ग्रह टोटली गैस फॉर्म के अंदर है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक छोटा सा कोर है, रॉकी कोर है, बाकी जो ऊपर दिख रहा है और जो उसके ऊपर आप हेक्सागन देख रहे हैं नॉर्थ पोल के ऊपर, ये ऑरोरा, उसपे कलर चेंज होता रहता है। तो आचार्यों ने कहा कि शनि तो वायु तत्व वाला है और गुरु आकाश तत्व वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ठोस है, इन दोनों को अलग कैटेगरी में डाला कि बाकी ग्रह तो ठोस है लेकिन ये हवा और वायु है। तो पाइनियर, वाइजर वन, कसीनी, ये जब वन वहां पे गए तब इनको पता चला कि इनके ऊपर अगर आप गिर जाओ तो इसके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर समाहित होते जाओगे, क्योंकि ये तो पूरे गैस के ही गोला है। हम कहते हैं कि शनि खराब हो गया तो गैस बन जाती है पेट में। तो इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी इन तथ्यों को, जो ज्योतिष शास्त्र के फलित ज्योतिष के तथ्य, इनको भी प्रतिपादित किया जा सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपने बहुत धैर्य से सुना सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवेश व्यास जी। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मतलब इस तरीके का जो ज्योतिष शास्त्र को लेके लेक्चर शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है, और शायद हमारे छात्र भी, छात्रों ने भी इस तरीके से पहली बार इस तरीके के कोरिलेशन को, और शायद आज यही आवश्यकता भी है। और आप जैसे विद्वान इस तरीके से यदि कार्य करते रहे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब ज्योतिष को लेकर जो प्रतिष्ठा उसकी कभी प्राचीन काल में रही थी वो निश्चित रूप से हो जाएगी। इसलिए मैं अपने विभाग के संयोजक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपके प्रति भी बहुत हार्दिक धन्यवाद आपको देता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले, इसीलिए मुझे जब डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने शहर से अपनी अनुमति दी है इस व्याख्यान के लिए, तो मुझे मतलब वो बात याद आई जो कही जाती थी कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं। तो शायद सहजता का कारण यही है, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान का भंडार है जिसको आपने हमारे सभी छात्र लाभान्वित हुए। बहुत सारे लोग हमारे जो छात्रगण हैं, जो पहले के भी छात्र रहे हैं, वर्तमान समय में कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, तो सभी देखिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज इसमें लिख रहे हैं कि बड़ा ही ज्ञानवर्धक था। और मुझे लगता है कि शायद ये यही स्तर आज के समय में होना चाहिए, और आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सभी लोग इस चीज को निश्चित रूप से आपका अनुसरण करेंगे और उससे ज्योतिष के जो वास्तविक मूल स्वरूप है वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन हेतु विभाग के हमारे साथी डॉक्टर विपिन कुमार पांडे जी को का आह्वान करना चाहता हूँ कि वो आके हम सभी को सभी के प्रति जो है धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। डॉक्टर विपिन पांडे जी। सर, जैसे ये व्याख्यान अगर सुनना हो तो YouTube पर अवेलेबल है जी? फिर से अगर ये व्याख्यान सुनना हो तो YouTube पर अवेलेबल है? इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी ज्योतिर्विज्ञान विभाग के YouTube चैनल पे, हम लोग इसका आपको लिंक भेज देंगे तो आप इसको YouTube पे भी देख सकेंगे। इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया है इसको, और ताकि मतलब आज भी और अगर आप फिर सुनना चाहें तो तब भी इसको देख सकें। तो हमारे ज्योतिर्विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से आप इसका निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं बाद में। तो मैं अब भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? निश्चित रूप से आप भेज दीजिएगा तो हम जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो हम आपको सूचना देंगे, और जब भी कोई कार्यक्रम हम लोग करेंगे, और ये तो पहली कड़ी है शायद अभी विगत पिछले कुछ समय के बाद, मतलब डॉक्टर सत्यकेतु जी ने इसका आरंभ किया है, तो ये चीज़ें निरंतरता बनी रहेगी। और ये बहुत अच्छा माध्यम है, जो हमारा ऑनलाइन मोड जो है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसके माध्यम से सभी लोग
चाहे वो कहीं भी हो। शायद ऑफलाइन आने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं आज के समय में, लेकिन ऑनलाइन एक बहुत अच्छा मोड हो गया है जिसके माध्यम से आप सभी लोग कहीं भी बैठ के इसका लाभ ले सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसी बात होगी तो हम लोग आपको अवश्य सूचित करेंगे। सर ये हमें भी लिंक भेज दीजिएगा यूट्यूब पर। हाँ भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। सर मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए। किसका कॉन्टेक्ट नंबर? शायद ग्रुप में नहीं हूँ सर, जिस पर ये लिंक मिल सके, नहीं तो ग्रुप ग्रुप का कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। आप किस आपको ये लिंक कहाँ से मिला ये बताएं तो हम बता दें कहाँ से मिलेगा आपको। सर 3 days का मैंने एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का सेमिनार अटेंड किया, वेबिनार अटेंड किया था, वहां से मुझे ये लिंक मिला। ठीक है, देखिए हम प्रयास करेंगे। आप अपना नंबर इसमें मैसेज कर दीजिए तो हम लोग जो भी इस तरीके के लोग हैं जिनको किसी ग्रुप के माध्यम से नहीं मिल पाया है तो आप एक नंबर अपना मैसेज कर दीजिए, उसके माध्यम से हम आपको जोड़ लेंगे एक नया ग्रुप बना के, ताकि आगे भी कोई सूचना जो देना चाहे हम दे सकते। ठीक है, हमको मिलेगा। डॉक्टर विवेक पांडे जी आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। सर्वे सबसे पहले धन्यवाद तो डॉक्टर सत्यकेतु जी जो ज्योतिर्विज्ञान विभाग के संयोजक हैं, जिन्होंने इतने सुंदर व्याख्यान के लिए इतने सुपात्र इतने विद्वान व्यक्ति को इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया बुलाया। सच में जो संयोजक तत्व दुर्लभ, तो एक दुर्लभ योजक के रूप में आप बहुत अच्छे संयोजक हैं कि आपने डॉक्टर प्रवेश व्यास जी को जो लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में है, आपने उनको खोजा, उनको इस कार्यक्रम के लिए जोड़ा। जैसा उनका नाम है, जैसा अपने यहाँ शास्त्र में है यथा नामो तथा गुण, तो जैसा उनके नाम के साथ व्यास शब्द है तो व्यासाय विश्व रूपाय व्यास रूपाय विश्ववे व्यास वो विश्व रूप ही व्यास दिखे हो। और उनका जो ज्ञान है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें ज्योतिष के वैज्ञानिक पक्ष से अद्भुत रूप से उसमें प्रवेश कराया। उन्होंने ज्योतिष साइंस है, ज्योतिष सुपर साइंस है, ज्योतिष काल विधान शास्त्र है, या काल विधान शास्त्र ज्योतिष के वैज्ञानिक पक्ष को जिस तरीके से उन्होंने रखा तो वह आज के समय का बहुत ही समसामयिक है, बहुत प्रासंगिक भी है और इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। तो जो जैसा कि महाभारत काल में कहा जाता था कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो आज जो डॉक्टर प्रवेश व्यास जी ने जो कहा वो ज्योतिष के हर एस्पेक्ट को, सारे तथ्यों को लगभग ला करके समाप्त करने का प्रयास किया। तो डॉक्टर प्रवेश व्यास जी का के प्रति ज्योतिर्विज्ञान विभाग या जो ज्योतिष अनुरागी गण है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग आपके आभारी हैं कि आप हम लोगों के लिए समय निकाले और आपने इस तरीके से एक दुर्लभ व्याख्यान दिया जिसमें कि ज्योतिष और विज्ञान दोनों, ज्योतिष को विज्ञान के सांचे में प्रस्तुत करके आपने जिस तरीके से रखा, ज्योतिष तो सुपर साइंस है ये कहा जाता है, ये परा विज्ञान है, सुपर साइंस है, लेकिन उसको साइंस के सांचे में ढाल देना और फिर पिंड को ब्रह्मांड से एकीकरण करा देना, पिंड और ब्रह्मांड के एकीकरण को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत कर देना, या इसकी ऑर्गेनिक यूनिटी जो जिसको हिंदी में एम्पैथी कहते हैं, समानुभूति कहते हैं, उसको आपने प्रस्तुत किया, तो इसके लिए ज्योतिर्विज्ञान विभाग आपका बहुत आभारी है। इसके अलावा जो हमारे विभाग के जो विद्यार्थीगण है जो प्राप्त किए हैं आपसे ज्ञान, बहुत ही आपके बहुत बहुत आभारी है। और धन्यवाद शब्द तो आपके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा आपके इस कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए। इसके अलावा जो डॉक्टर अनिल पोरवाल जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद उनके भी प्रति, उनका भी धन्यवाद है। इस कार्यक्रम के जो और डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ल जी, डॉक्टर नम्रता सिंह जी हैं वो जो इसके आयोजकों में है, उनका भी बहुत बहुत आभार है। एक जो विद्यार्थी है जिसने मंगलाचरण किया उसके प्रति भी ज्योतिर्विज्ञान विभाग आभारी है, प्रिय लोकुश तिवारी जी ने मंगलाचरण किया तो उनके प्रति भी धन्यवाद है। वस्तुतः विदुर ने एक बात कही है कि सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनम अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। वक्ता हो और श्रोता न हो तो बात पूरी नहीं होती। तो इतने सारे विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ, शुरुआत से लेकर लगभग 45 लोग इस कार्यक्रम में रहे, तो उन सब के प्रति या ज्योतिषानुरागी जन जो रहे, चाहे डॉक्टर अनु शुक्ला जी हों, अमृता मिश्रा हों, हमारे यहाँ अभी भी ज्योतिष के एम एस
की विद्यार्थी हैं, अभिषेक दुबे जो एमए के विद्यार्थी हैं, आलोक जी हैं, अल्पना निगम जी हैं, अमृता यादव हैं, अनूप कुमार सिंह जी हैं, बबीता शर्मा जो पूर्व छात्रा रही हैं ज्योतिर्विज्ञान की, दिव्यांशी शुक्ला हैं, और डॉक्टर प्रभात कुमार जी बड़े वरिष्ठ विद्यार्थी रहे हैं और बहुत गंभीरता से पढ़ते रहे हैं, खुद बहुत बड़े चिकित्सक हैं लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से ज्योतिष को पढ़ा था, पूर्व छात्र रहे हैं, वह भी इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ शुरुआत से ही जुड़े हैं। डॉक्टर रमेश पांडे जी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, ज्योतिर्विज्ञान विभाग के पूर्व छात्र रहे हैं। डॉक्टर पत्रिका जैन जी जो हैं, या डॉक्टर रविंद्र जी हैं, कृष्णदीप अवस्थी जो अभी फाइनल के विद्यार्थी हैं हमारे, मधु हैं, मनोरमा पांडे हैं जो ज्योतिष की अभी भी फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हैं, पूनम शर्मा जी हैं, और राधा यादव हैं जो संस्कृत के विद्यार्थी रही हैं, राम हैं, और ऋषि कुमार जी जो HCL के यहाँ टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं और आजकल बहुत व्यस्त भी हैं, लेकिन वह भी मैं देख रहा हूँ पूरा समय निकाल के पूरे समय इस कार्यक्रम में रहे। सारिका अनु मिश्रा हैं, या शोभा अग्रवाल जी जो पूर्व छात्रा रही हैं लखनऊ हमारे ज्योतिर्विज्ञान विभाग की, तो VP निगम जी हैं और प्रभात शुक्ला जी हैं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने समय निकाला और ज्योतिर्विज्ञान की इस संगोष्ठी को आप लोगों ने सफल बनाया, इसलिए कि श्रोता और वक्ता दोनों की ही उपस्थिति से ही कार्यक्रम सफल होता है। श्रोता जितने गंभीर हों, वक्ता भी उसी अनुपात में गंभीर हों तो अच्छा लगता है। तो वक्ताओं ने भी अपने गंभीर से और मनोदत्त चित्त होकर मनोयोग से इसको सुना, इसके लिए उनके भी प्रति आभार। और सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कलमशम, यह जो वेद का निर्मल चक्षु है, नेत्र है, इसको सुन करके सुनने के लिए आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम डॉक्टर पोरवाल जी से कहेंगे कि कार्यक्रम के समापन की समापन के लिए उद्घोषणा करें। धन्यवाद विपिन जी। अब हम लोग इस कार्यक्रम के इस व्याख्यान के अंतिम कड़ी के रूप में शांति पाठ का उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था जरा। जी जी जी, जी मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब ने व्याख्यान करते हुए इसको थोड़ा विस्तृत नहीं किया और हम लोगों की संख्या भी उस के अनुरूप नहीं थी, तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में हम एक बार पुनः इसी विषय को और विस्तार से, टेक्निकली जो उन्होंने कुछ चीजें मैंने देखा कि वो स्लाइड्स जल्दी से आगे बढ़ा गए, कुछ चीजें बताते हुए बहुत स्पर्श मात्र हुआ है और ये बहुत ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक, और इसमें न केवल ज्योतिष अपितु अन्य आनुषंगिक जो शास्त्र हैं, चाहे हमारे भूगर्भ विज्ञान के लोग हों या भूगोल के लोग हों या इतिहास शास्त्र के लोग हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें था। तो मुझे लगता है कि हम व्यापक प्रचार करते हुए भविष्य में इसका अन्य डिपार्टमेंट्स को भी इसमें, वहां के छात्रों को, वहां के व्याख्याताओं को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम इस व्याख्यान को एक बृहद आयोजन के रूप में भी रखेंगे। ऐसा मेरा मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि हम लोग इसको भविष्य में जरूर एक बृहद आयोजन के रूप में इसको तैयार करेंगे और आपके व्याख्यान का लाभ और भी व्यापक रूप से जनमानस तक पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। मैं बहुत बहुत ही कृतज्ञ अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि ऐसा व्याख्यान जो है सभी लोगों के पहुंच में होना चाहिए ताकि ज्योतिष के वास्तविक मौलिक तत्व को समझ सके। आज इसी की कमी है क्योंकि ज्योतिष के नाम पर अगर कोई बात व्यक्ति करता है तो सिर्फ हाथ देखने और जन्मपत्री देखने तक ही सीमित हो जाता है। उसके पीछे का क्या सैद्धांतिक पक्ष है, क्या वैज्ञानिक पक्ष है, और हमारे आचार्यों का क्या दृष्टिकोण रहा, किस दृष्टिकोण से उन्होंने इस चीज को लिखा या देखा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने लिखा होगा, कैसे देखा होगा, कोई यंत्र नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कहीं। जैसे हम लोग जब भुवन कोश में पढ़ते हैं कि षष्ठी अंश जो उसके ऊपर अक्षांश है, 66 अंश के ऊपर जो अक्षांश है, उन वहां कैसे जा सकते थे, वहां ये कैसे जान सकते कि दिन इतना बड़ा हो रहा है। तो इन सब चीजों की चर्चा तो भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में की, इसका मतलब उसके पहले से भी लोग जान रहे होंगे। तो ये सब कहां से आए, कैसे आए, तो निश्चित रूप से ये जो आपका व्याख्यान रहा है हम लोगों के लिए बड़ा ज्ञानवर्धक रहा है। और इस अंतिम कड़ी में, इस व्याख्यान की अंतिम कड़ी के रूप में
मैं कृष्णदीप अवस्थी का आह्वान करना चाहूंगा, उनको बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आके इस कार्यक्रम की पूर्णता हेतु शांति पाठ करें। कृष्णदीप अवस्थी जी, गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हरी ओम महादेव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोकधय शांति वनस्पतय शांतिर्भुषवे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु शांतिः 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 सर्वार्थ शांतिर्भवतु। तो डॉक्टर साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं इस कार्यक्रम को पूर्णता करने के जी, लिए जी 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 डॉक्टर साहब जरूर। अब हम तो, लोग पुनः मेरा विचार है हर महीने के अंतिम सप्ताह में हम इसको रखेंगे। बिल्कुल है ना, उसका पूर्व सूचना और उसका प्रचार किया जाएगा। अभी प्रवेश जी हैं, फिर आगे और भी इनके माध्यम से इनके जैसे और भी विद्वानों का हम सानिध्य अवश्य प्राप्त करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, और सभी पुनः इसी तरह हम से जुड़ते रहेंगे। इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद सर। बहुत 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 अच्छा लगा सर। प्रणाम जी।